मोदी सरकार को मुगलों से इस कदर एलर्जी है कि उन्होंने उन्हें इतिहास के पन्नों से हटाने का फैसला कर लिया है। जी हां, 12वीं कक्षा की पढ़ाई से मुगलों की पढ़ाई को हटाया जा रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह महज शुरुआत है। 2024 के बाद अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो प्राइमरी कक्षा में जो पढ़ाई होती है ना मुगलों को लेकर, या इतिहास के पन्नों में जितनी भी पढ़ाई मुगलों को लेकर है, उसे हटा दिया जाए। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। मैंने आपसे अक्सर कहा है दोस्तों, ये लोग अपने अंधभक्तों को अक्सर कहते हैं कि अगर मोदी जी सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा। मैं आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मुगल हमारे देश का इतिहास रहे हैं, यकीनन आक्रमणकारी थे, मगर वो फिर भारत आए, उन्होंने भारत को अपना देश बनाया। अगर एक बाबर था तो एक हुमायूं भी था, अगर एक औरंगजेब था तो एक अकबर भी था, वो अकबर जिसने दीन इलाही का इजाद किया, दीन इलाही का सृजन किया, यानी कि हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को मिलाकर एक धर्म का सृजन। वो अकबर जिसने भारतीय मान्यताओं, हिंदू मान्यताओं का हमेशा से सम्मान किया। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, मुद्दा यह नहीं कि कोई आक्रमणकारी है, कोई परोपकारी है, कोई अत्याचारी है, कोई दयावान है, मुद्दा वो बिल्कुल नहीं है। मुद्दा यह है कि चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, ये सब भारत का इतिहास है। और एक कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें आत्मविश्वास है, वो अपने इतिहास से नहीं घबराता। अगर तुम इतिहास को अपने पन्नों से नोच दोगे तो इससे यह नहीं बदल जाएगा कि हम क्या रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन दो तस्वीरों को देखिए, लाल किला और ताजमहल। 2024 के बाद मान लिया जाए अगर मोदी सरकार धीरे धीरे मुगलों का जितना भी बखान है उसे इतिहास के पन्नों से हटा दे, तो इनके बारे में आप क्या कहिएगा बताइए? क्या आप यह कहेंगे कि लाल किला और ताजमहल बॉब बिल्डर बना रहा था और बनाते बनाते उस पर ईडी की रेड पड़ गई, और जैसे ही उस पर ईडी की रेड पड़ी तब साहेब के परम मित्र को लाल किला और ताजमहल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आधुनिक भारत में घटनाक्रम हुआ है जिसके अंतर्गत जीवीके नाम की कंपनी के पास मुंबई एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर रहस्यमय तरीके से उन पर सीबीआई और ईडी का दबाव बनता है, और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के साथ समझौता कर लेते हैं और मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा फिर अडानी जी को दे दिया जाता है। और रहस्यमय तरीके से अभी जो बीती जनवरी हुई है, जीवीके ग्रुप के खिलाफ तमाम केसेस गायब हो गए। मैं स्पष्ट कर दूं, जो काल्पनिक कहानी मैंने आपको सुनाई थी लाल किले और ताजमहल के बारे में, उसका जीवीके प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, सिर्फ मुगलों को ही नहीं हटाया जा रहा इतिहास से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी हटाया जा रहा है, फिराक गोरखपुरी को भी हटाया जा रहा है, कि जैसे कि ये खबर कह रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वेद प्रकाश सिन्हा जो कि एक क्राइम नॉवलिस्ट हैं, उनकी वर्दी वाला गुंडा वो अब स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे। क्या बनाना चाहते हैं आप लोगों को? फिराक गोरखपुरी को हटा देना चाहते हैं आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हटा देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति क्राइम नॉवेल्स लिखता था उसकी नॉवेल को अब हम अपने एकेडमिक्स में शामिल कर लें, अपनी शिक्षा में शामिल कर लें। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि दरअसल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से इन्हें एलर्जी क्या है, मुगलों से क्या एलर्जी है वो मैं आपको बतला चुका हूं, मगर सूर्यकांत त्रिपाठी से क्या इनको एलर्जी है उसके लिए दोस्तों मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मैं अभी से कह दूं कि जो शब्द आप सुनने वाले हैं उसका 2014 और 2023 के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये डिस्क्लेमर अभी से दे देना चाहता हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या लिखा था दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस
कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उनकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकारों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला, राजे के समाज का, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकी ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। क्या मोदी सरकार को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से इसलिए एलर्जी है क्योंकि इस कविता के अंदर धर्म के नाम पर राजा क्या क्या करता है उसका जिक्र है। इस कविता के अंदर गोदी मीडिया किस तरह से हरकतें करता है उसका जिक्र है, यानी कि राजा की बढ़ाई की जा रही है, उनकी झूठी मूठी तारीफ की जा रही है। लोग धर्म के चलते जो खून की नदियां बह रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, मगर राजा अपनी रखवाली कर रहा है। क्या इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मोदी सरकार को एलर्जी है? यह सीधा सा सवाल है दोस्तों, इसका जवाब दिया जाना बाकी है। मैं जानता हूं आज आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई मुगल आक्रमणकारी थे, उनका क्या पढ़ना, मुद्दा वो नहीं है। जर्मनी के अंदर नाजियों ने यहूदियों का नरसंहार किया था, न सिर्फ जर्मनी के अंदर बल्कि यूरोप में उन्होंने जहां जहां कब्जा किया, मगर जर्मनी के अंदर उस इतिहास पर जो है काली स्याही नहीं पोत दी गई, उस पर पर्दा नहीं डाल दिया गया। भारत एक महान लोकतंत्र है, कायर नहीं है भारत। हमें इतिहास में जो चीजें हुई उस पर आंखें नहीं मूंद लेनी है। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि लोकतंत्र से जुड़ी जो पढ़ाई है ना, उसको भी हटाया जा रहा है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके साथ ही 10वीं और 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव किए गए हैं। कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान की किताबों से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट वाले चैप्टर हटा दिए गए हैं। वहीं 11वीं के इतिहास की किताबों से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स और कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स जैसे चैप्टर्स भी हटा दिए गए हैं। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी यानी कि लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र के अंदर किस तरह की भिन्नता है, किस तरह से अलग अलग रंग हैं, उसे हटा दिया गया है। यही नहीं, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स यानी कि लोकप्रिय आंदोलन जो हुए हैं उसे हटा दिया गया है। बात यहां नहीं रुकती, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि इतिहास की किताबों से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लाम से जुड़ी जो पढ़ाई है, उसे भी हटा दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डेमोक्रेसी से जुड़े अध्याय को हटाने की क्या जरूरत थी? डेमोक्रेसी और उससे जुड़े जो आंदोलन थे उसे हटाने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूं कि अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालें तो आरएसएस का आपको एक भी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा या एक भी नेता नहीं मिलेगा जिसने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रख दूं, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो आरएसएस ने उसमें शिरकत नहीं की थी, वो मुस्लिम लीग के साथ जाकर खड़ा हो गया था जिसके साथ उसने बंगाल और सिंध में सरकारें बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना एक ही मंच पर थे। 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। ये सब तथ्य हैं। राष्ट्रवाद को लेकर आरएसएस की क्या सोच है मैं समझ सकता हूं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर मूवमेंट्स, इसे हटाने की क्या जरूरत है बताइए? हम किस चीज से बच रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि संघ से इस देश का पहला आतंकवादी यह शख्स नाथूराम गोडसे निकला जिसने हमारे महात्मा गांधी की हत्या की थी? सिर्फ इसलिए आप डेमोक्रेसी और उससे जुड़े अध्याय को किताबों से नोच लेंगे? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मुद्दा यह नहीं है कि हमारे इतिहास से हमें शर्म आती है,
मुद्दा यह है कि एक जो कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसी होती है, आत्मविश्वास से लबरेज एक लोकतंत्र होता है, वो अपने इतिहास से शर्माता नहीं है, अपने इतिहास से सीखता है। और जब हम उस इतिहास से सीखते हैं और जब दुनिया के मंच पर जाते हैं तो हमारी सोच बाकी दुनिया की सोच से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान 1947-48 में इसी देश से बना, वहां के इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? क्या 1947 के पहले का जो इतिहास है उसकी पढ़ाई होती है? बताइए, उसकी पढ़ाई होती है, क्योंकि वो भूभाग जो पाकिस्तान है एक जमाने में वो लार्जर इंडिया का हिस्सा था, जहां पर अशोक भी गए। कहने का अर्थ यह है, पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में इसका जिक्र होता है या नहीं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम पाकिस्तान जैसा बन जाना चाहते हैं? क्या हम उन रूढ़ीवादी सोच के देशों जैसा हो जाना चाहते हैं जो अपने इतिहास से खुद को जुदा कर लेता है, जो अपनी सोच को इतनी सक्रिय कर देता है, इतना नैरो माइंडेड हो जाता है कि जिसके क्या कहने? यह अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों, जिस तरह से मुगलों की पढ़ाई को 12वीं की कक्षा से नोचा जा रहा है, जिस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को हटाया जा रहा है, फिराक गोरखपुरी को हटाया जा रहा है और लाया किसको जा रहा है? वेद प्रकाश सिन्हा, जो कि क्राइम नॉवलिस्ट हैं, जिन्होंने वर्दी वाला गुंडा लिखी थी, या फिर हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने मधुशाला लिखी थी। तो मधुशाला और क्राइम ये पढ़ाना चाहते हैं? बताइए, मैं तो कहता हूं सब पढ़ना चाहिए दोस्तों, वेद प्रकाश सिन्हा भी पढ़ना चाहिए, हरिवंश राय बच्चन भी पढ़नी चाहिए, मगर जिन लोगों ने इस समाज को बार बार आईना दिखाया उनसे क्या बचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हर कविता में आप उस वक्त के समाज पर टिप्पणी देख सकते हैं, और जो कविता मैंने आपको अभी अभी सुनाई उनकी, वो कविता तो मानो आज के वक्त के लिए बनी है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, हम क्यों मोड़ रहे हैं अपना मुंह ऐसे नायकों से? क्या वजह है? हमें अकबर से क्या एलर्जी हो सकती है जिसने हिंदू और इस्लाम धर्म को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की? वाकई शर्मनाक है दोस्तों। और इन्हें लगता है कि इस तमाम चीजें करके हमारा इतिहास जो है वो जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उल्टा हमारी हालत जो है ना धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, ना घर के ना घाट के, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। जी हां, अगर हमें लगता है कि हम अपने इतिहास को लेकर आंख मूंद लेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। वो चीज हमारा जो इतिहास हमारे लिए गर्व का मुद्दा था, उस इतिहास से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। माना मुगलों ने अत्याचार किए थे, माना, मगर वो जो अत्याचार की गाथाएं हैं, वो जो गाथाएं, उसे आप खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी पढ़ाई, उसके बारे में आप अपने बच्चों को बताएं। क्या कर रहे हैं आप इस देश की शैक्षणिक व्यवस्था को, क्या कर रहे हैं आप? मैं इतना ही कह सकता हूं दोस्तों, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।